सो मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत से। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। हाय एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ माहिरा बट और आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट। मैंने हमेशा ये बात सुनी है कि इस दुनिया में एक शक्ल के तकरीबन 7 लोग तो पाए जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैंने ऐसा कोई शख्स देखा हो। लेकिन अब एक ऐसा शख्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, मिलवाने जा रही हूँ, जिसको देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। बेसिकली आज से कुछ महीने पहले एक इंडियन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने सुसाइड की थी, और उसके बाद बहुत सी जो यू नो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, उसके अलावा भी जितने भी लोग थे, वो एक शॉक में चले गए थे कि ये क्या हुआ। एक जीता जागता लड़का जो अपनी लाइफ में खुश था, सेटल्ड था, अच्छी अच्छी मूवीज़ कर रहा था, ऑल ऑफ अ सडन उसने सुसाइड कर ली, जिसके बाद ज़्यादातर स्पेशली जो उनकी फ़ीमेल फ़ैन फॉलोइंग है उनका दिल टूटा। लेकिन उन तमाम तर फीमेल फ़ैन फॉलोइंग जितनी भी है उनकी मैं उनको आज बताती चलूँ। मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत से। अस्सलाम वालेकुम। हाय, वालेकुम सलाम। कैसे मैडम, ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। मुझे ये बताएं कि मैं आपको रिजवान बुलाऊं या सुशांत बुलाऊं? जैसे आप कह सकते हैं, मतलब कि उनका डुप्लीकेट था, मुझे उस नाम से पुकारे क्योंकि उनका मैं फ़ैन भी हूँ, काफ़ी ज़्यादा मुझे लोग जानते हैं उनके नाम से कि आपकी शक्ल उसके बिल्कुल डुप्लीकेट है। अच्छा रिजवान, बेसिकली मैं आप सबको भी बताते चलूँ कि रिजवान थोड़े से लीन है, अगर थोड़े से ये मोटे हो जाए तो ये एग्जैक्टली सुशांत सिंह राजपूत ही लगेंगे। बल्कि अगर ये कहा जाए कि सुशांत अगर अपनी टीन एज में होते तो वो एग्जैक्टली ऐसे ही दिखते, ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसी है, लेकिन उसमें यह है कि मोटे साइज के मतलब स्मार्ट के अंदर मतलब ये इन चीज़ों के बारे में मेहनत करनी पड़ती है, मोटा होना मतलब उससे बार जब ऑफर वगैरह आएंगे तो इंशाल्लाह तब सारा कुछ मतलब के हो जाएगा। जिम भी जाएंगे और सब कुछ, जहाँ से मुझे ऑफर आएगी इंशाल्लाह। मेरे टैलेंट एक तो होता है इंसान के अंदर टैलेंट है और एक होता है शौक है, मुझ में शौक नहीं, मुझ में टैलेंट है, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन टैलेंट हो, लेकिन टैलेंट के साथ साथ शौक का होना बड़ा ज़रूरी है, वरना आपका टैलेंट वेस्ट हो जाता है। तो अपने अंदर टैलेंट तो है आपके अंदर जैसे आपने बोला, लेकिन शौक को भी ज़िंदा रखना है। रिजवान मुझे ये बताइएगा कि आज से कुछ महीने पहले जब आपको इस खबर का पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे दरमियान नहीं है, तो क्या आपको एक धचका लगा था या क्या न्यूज़ थी वो आपके लिए? क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि मैं सुशांत सिंह का सबसे बड़ा फ़ैन था, मुझे बड़ी मतलब कि उनकी मूवीज़ देखता, उसके सॉन्ग सुनता, मुझे बड़ा एक दिली सुकून होता था। लेकिन जब अचानक मैं एक फ़ैन हमारे जो मतलब कि उनकी डेथ हुई है, तो मैंने यूट्यूब पे देखा, नेट पे देखा, तो बड़ा मुझे दिल से दुख हुआ है कि एक नौजवान मतलब कि इतनी सी कम सुन उम्र में वो मतलब कि छोड़ के चला गया। बड़ा दुख हुआ मुझे भी, और मैं तकरीबन आँखों मतलब रोने लग पड़ा था। अच्छा चलें, जाहिर है अब वो यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन आप उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं कि आप उनके काम को आगे लेकर चलें। जाहिर है अगर आप उनकी तरह दिखते हैं तो आप इस चीज़ का एज उठाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे। मुझे ये बताइएगा, कभी कहीं गए हों और कोई फ़ीमेल पीछे पड़ गई हो कि आप सुशांत सिंह हैं? जी बेसिकली मैं इधर लाहौर में स्टडी करता हूँ, साथ जॉब करता हूँ, लेकिन जब मैं किसी मतलब के संडे को छुट्टी होती है, मैं किसी मॉल में चला जाता हूँ या किसी भी जगह चला जाता हूँ, तो काफ़ी मतलब के मेरी दोस्त भी हैं मतलब के लगा ले। ओहो, दोस्त भी हैं? जी वो तो है, लाइफ पार्टनर होने चाहिए ज़िंदगी में, मतलब के लाइफ पार्टनर है कि दोस्त है, टाइम पास वाली है कि लाइफ पार्टनर बनाना है? नहीं नहीं, फिलहाल तो लाइफ पार्टनर है, तो उसके बाद देखेंगे आगे मतलब कि इस लाइफ पार्टनर को कैसे आगे बढ़ाना है। तो वो मुझे मतलब कि सेल्फी लेती है, मुझे कहती है कि आप बिल्कुल सुशांत सिंह हो। मैं क्योंकि जब जाता हूँ किसी मॉल वगैरह में तो बड़ा मतलब कि सेटअप होकर जाता हूँ, कलर बालों को कलर करवा के, स्टाइलिश करवा के, मतलब के शेव वगैरह करवा के, तो लोग मुझे देखते हैं, और एक दो लड़कियाँ जिन्होंने सेल्फी मेरे साथ ली हुई, मतलब कि आप बिल्कुल उसकी तरह डुप्लीकेट हो। और मुझे इन चीज़ों का बड़ा शौक है क्योंकि मुझे मेहनत की ज़रूरत नहीं, मेरे अंदर टैलेंट है। मैंने एडमिशन लिया हुआ है लाहौर में तकरीबन मूवी अकेडमी है, तो वो कहते हैं आपको टैलेंट की मतलब आपको इस चीज़ के बारे में आगे बढ़ने की जरूरत हो, टैलेंट आपके अंदर, आपका टैलेंट हम अभी देख लेते हैं ना, क्या कहते हैं? जी आप देख लें बिल्कुल, मैं उसके बारे में एक छोटा सा सॉन्ग आपको सुना देता हूँ। सजदा तेरा कर ना सकूं, वो बंदगी क्या बंदगी, तेरे बिना जीना पड़े तो जिंदगी क्या जिंदगी,
क्या रंग लाया दिल का लगाना, क्या रंग लाया दिल का लगाना, गूंजे हवा में बिछड़े दिला दिया दुहाइयां, वे बड़ी लम्बियां सी जुदाइयां, वे बड़ी लम्बियां सी जुदाइयां। बहुत शुक्रिया, वेरी गुड रिजवान। अच्छा, सिंगिंग का तो टैलेंट हमने देख लिया, लेकिन क्या आप सुशांत सिंह राजपूत की तरह एक्टिंग भी कर सकते हैं या सर उनकी तरह दिखते हैं? जी जी, उनकी तरह मैं स्माइल कर लेता हूं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी तक चल रहा है, पेंडिंग है, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, आपको एज अ फैन क्या लगता है कि क्या रीज़न हुई होगी, क्या वाकई उन्होंने सुसाइड की थी या उसके पीछे कोई और चीज़ है? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखे ना, या तो ना बंदा किसी और के पास शोहरत नहीं है, दौलत नहीं है तो वो सुसाइड करे, लेकिन मैं 100% ये कह सकता उसने सुसाइड नहीं किया, उसके ऊपर पीछे किसी बड़े का हाथ है, मतलब कोई फिल्म एक्टर होगा, किसी का भी उसका हाथ है जिन्होंने उनका मतलब कि मर्डर किया होगा। मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह रहा, लेकिन मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि उसको ऐसे सुसाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं कि वो मतलब कि सुसाइड कर ले, उसको दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है, अच्छा घराने का मतलब कि उसका ताल्लुक है। और अच्छा, अब एक बात सच सच बताएं, देखें सुशांत सिंह राजपूत जैसा चेहरा आपके, एक्टिंग स्किल्स आपके पास हैं, सिंगिंग आप कर लेते, तो मेरा माइक बार बार क्यों पकड़े आपने? मेरी रोजी रोटी पर लात मारनी है? अच्छा नहीं नहीं, वो मसला नहीं, मेरा माइक बार बार पकड़ लेते हैं। अच्छा नहीं नहीं, वो मसला नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब इन फ्यूचर आपका क्या इरादा है, ये ना हो कि आपको थोड़ी सी शोहरत मिले और आप इंडिया भाग जाएं कि भाई मैं इंडियन सुशांत सिंह राजपूत को कंटिन्यू करने इंडिया जा रहा हूँ? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इंडिया जाऊँगा नहीं, क्योंकि अगर मुझे में टैलेंट है तो मैं पाकिस्तान के अंदर रहूँगा, मतलब कि मुझे इनके लाइक चाहिए, व्यूज चाहिए, इनका मुझे साथ चाहिए। मैं इंशाल्लाह सुशांत सिंह के जो फैन हैं उनको यही कहूँगा कि मेरी वीडियो को आप मजीद आगे बढ़ाएं। मैं पाकिस्तान में रहूँगा, मैं लोगों को कहूँगा कि मेरी आप वीडियो को इस तरह मतलब कि लाइक करें, इनको आगे शेयर करें, ताकि मैं पाकिस्तान में रहकर उन जैसी एक्टिंग करूं, उन जैसा काम करूं, ताकि मुझे, मैं इंशाल्लाह ये एकेडमी में तो मैंने एडमिशन लिया हुआ है जो कि मूवीज एकेडमी है, तो उसके अलावा भी मतलब क्या डांस कर लेते हैं वैसे? डांस सबसे अच्छा मैं डांस कर लूं। एक स्टेप अगर आप हमें भी करके दिखाएं। जी मैं कर देता हूं। रिजवान, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। तो मेरे ख्याल से ये लिए आपको माइक पकड़ने का शौक था ना, पकड़ने में तालियां बजाती। अच्छा चाचा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मतलब आपने, मतलब आपके कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी, आपके अंदर वाकई कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत छुपा हुआ है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इन फ्यूचर काम करें और सुशांत सिंह राजपूत जितना ही नाम कमाएं या बल्कि उससे ज़्यादा कमाएं, और इंडिया ना भागे बल्कि पाकिस्तान रहकर ही काम करें। जी इंशाल्लाह, मैं मेहनत करूंगा, इंडिया में नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे जितनी मर्जी करोड़ों की ऑफर आ जाए, मैं इंडिया नहीं जाऊंगा, पाकिस्तान मेरा। आपको ये कैटरीना कैफ की कॉल आनी है, अपने भागे जाने, ये मेरे से लिखवा लें आप लोग। नहीं नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों के सामने, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इंशाल्लाह यहीं पर रहूँगा, पाकिस्तान में रहकर उनका नाम रोशन करूँगा, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो जहाँ भी, उनका मैं नाम रोशन करूँगा। चलिए बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा लगा और मज़ा आया आपसे मिलके, आपकी बातें सुन के, डायलॉग सुन के, आपका डांस देख के, सब कुछ बहुत अच्छा था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे इसी तरह से तरक्की हासिल करते रहें। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, और स्पेशली हमारे सुशांत सिंह राजपूत, पाकिस्तानी सुशांत सिंह से मिलके कैसा लगा है, हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।